ये वीडियो है साल 2017 की, जब एक शख्स को रात के अंधेरे में पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है। लाल टी शर्ट में जमीन पर लेटे इस शख्स के ऊपर ऐसे संगीन इल्जाम लगे हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि कहानी इतनी दर्दनाक और हैवानियत से भरी है जिसने जुर्म की काली दुनिया में भी तहलका मचा दिया था। ये कहानी एक बाप की है जिसने हैवानियत का चूल्हा पहनकर अपने बेटे को मौत की काली स्याही से हैवानियत और घिनौनेपन की जद में धकेल दिया था। ये कहानी है हिंदुस्तान की जमीन से करीब 12,394 किलोमीटर दूर अमेरिका के डेनेवर शहर की। तारीख 18 नवंबर 2012। 13 साल के डायलन के माता पिता का तलाक हो चुका था, तो लिहाजा डायलन बारी बारी अपने माँ बाप के पास रहता था। लेकिन जब 13 साल का डायलन अपने पिता मार्क रेडवाइन के पास रहने गया तो उसने वहां कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी जिंदगी की लौ हमेशा के लिए बुझ गई। मगर डायलन के पिता सबसे एक अलग कहानी बता रहा था। मार्क ने पुलिस को बताया था कि जब वो काम से वापस लौटा तो डायलन घर पर नहीं था। उसने सब जगह तलाश किया मगर डायलन का कुछ पता नहीं चला। इस वारदात को अब 7 महीने बीत चुके थे और साल 2013 आ गया था। पुलिस को भी 13 साल के डायलन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच पहाड़ों में जून 2013 में डायलन के जिस्म के कुछ हिस्से मिले और इसके 2 साल बाद साल 2015 में डायलन के पिता के घर से करीब 1.5 मील दूर पहाड़ों पर कुछ हाइकर्स को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। पुलिस की जांच के बाद पता चलता है कि इंसानी खोपड़ी 13 साल के डायलन की थी, जिसके सिर पर जंगली जानवरों के खरोंचने के निशान थे। 13 साल के डायलन की खोपड़ी मिलने के बाद डायलन की मां ने पुलिस को कुछ हैरान करने वाली बात बताई, जिससे शक की सुई सीधी मार्क पर आ पहुंची। डायलन की मां और मार्क की एक्स वाइफ ने पुलिस को बताया था कि उसके एक्स हस्बैंड मार्क ने एक बार कहा था कि अगर उसे कभी किसी के शरीर से छुटकारा पाना होगा तो वो इस पहाड़ी की मदद लेगा। बस इसी बात से पुलिस का शक और गहरा गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पहले तो मार्क इस बात को नकारता रहा कि उसने डायलन का कत्ल किया है, मगर सख्ती से पूछताछ और सबूतों के सामने वो टूट गया। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 13 साल के डायलन ने अपने पिता को अकेले में कुछ ऐसा करते देखा था जिससे उसके पिता ने उसकी जान ले ली। असल में 59 साल के मार्क रेडवाइन पर 13 साल के बेटे को इसलिए मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है क्योंकि उसने अपने पिता की ऐसी फोटो देख ली थी जिसमें वो ब्रा पहने हुए था और बच्चों के डायपर से मल खा रहा था। उसका बेटा उसकी इस गंदी हरकत के बारे में सबको बता देगा, बस इसी बात का उसे डर था। इसीलिए गुस्से में बिलबिलाए इंसानी शक्ल में छुपे इस हैवान पिता ने अपने 13 साल के मासूम बेटे को मौत की नींद सुला दिया। आपको बता दें कि इस मामले पर अमेरिका के कोलोराडो की अदालत का कहना है कि मरहूम डायलन अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता था। माता पिता के तलाक के बाद उसे बारी बारी से उनके साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था, जिससे वो खुश नहीं था। बहरहाल दोषी करार देने के बाद अदालत मार्क रेडवाइन की सजा का ऐलान अक्टूबर में करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।